स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट फिनिश्ड अवर लेसन टू न्यूट्रिशन इन एनिमल। आई हैव ऑलरेडी रिटन यू ऑल टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्सरसाइज। नाउ लेट अस enter a new chapter. This chapter belong to physics. Guess you, which is the first chapter in physics in your book? Yes, first chapter is motion and time. Remember, in class 6 you all learned about motion. At first we recall again motion, type of motion. After that we discuss about speed, distance, time, placement and any more. Now today first topic is motion. What is motion? The Hindi meaning of motion is gati. Gati kya hai? Aap kaksha 6 mein bhi gati ke bare mein padh chuke. Gati, motion, when an object change on position respect to time. When an object change on position respect to time is called motion. जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, respect to time का मतलब हुआ समय के सापेक्ष अपना स्थान बदलता है। जैसे साइकिल चलाना है, ये जो चाइल्ड दिख रहा है ये यहां साइकिल चला के वहां तक जाता है तो ये डिस्टेंस कवर करता है। अपने उसके एक चेंज करने में, अपने पोजीशन को चेंज करने में एक टाइम उसको लगता है। हिंदी में आप समझिए, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपना स्थान बदलता है तब उसे गति कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। रिपीट अगेन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज ऑन पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। For example, your ceiling fan, ये इसके जो tails हैं वो जो इसके blades हैं वो इसके घूमते रहते हैं। आप देखते हैं उसके अपनी positions को लगातार वो change करता रहता है। जैसे दौड़ता हुआ बालक या dog यहां से वहां दौड़ चला गया, वो अपनी पोजीशन को अपने समय के सापेक्ष में चेंज करता है, उसको हम मोशन कहते हैं। क्लासिक्स में ऑलरेडी आप ये सभी जानकारी ले चुके हैं, आपको रिमेंबर होगा। इन क्लासिक्स यू ऑल आल्सो लर्न अबाउट टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। Remember you, which is first type of motion? Yes, a straight motion. First is a straight motion. Second is periodic motion. Periodic motion. And third is circular motion. Now let us
we describe about one by one about this type. So first is a straight motion. When an object moves on a straight path, when an object move on a straight path, it is known as a straight motion. जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर, a straight line पर move करता है, तब हम उसे स्ट्रेट मोशन कहेंगे. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, दिस मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट मोशन. फॉर एग्जाम्पल, आर्मी के जो जवान होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, जब अपने परेड करते हैं, एकदम स्ट्रेट पाथ पर करते हैं, उसके मोशन को आप स्ट्रेट मोशन कहेंगे. या आप जो रॉकेट होता है, जहाज होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है, उसको स्ट्रेट मोशन कहते हैं. सेकेंड इज पीरियोडिक मोशन. एक्चुअली ये सभी टॉपिक आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो फिर से एक बार ये रिवीजन के आधार पर, ताकि हमारे माइंड में वो सेट हो जाए, उसके बाद हम आसानी से इस चैप्टर में जो टाइम, मोशन एंड टाइम है, उसको हम समझ सकते हैं. सेकेंड है पीरियोडिक मोशन. क्या है पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक. फॉर एग्जाम्पल, एट फर्स्ट डेफिनेशन इट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट अ मोशन, when an object repeats a motion, this type of motion is called periodic motion. Once again, when an object repeat on motion, a fixed time period, is called periodic motion. For example, motion of simple pendulum, जो वॉच वगैरह में नीचे पेंडुलम लगा रहता है, वो एक फिक्स टाइम पीरियड में अपने मोशन को रिपीट करता रहता है, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन. जैसे बच्चे झूला झूलते, अप डाउन, इस सभी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन. एंड थर्ड इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर, जैसे आपका सीलिंग फैन देखते हैं, एक सर्कुलर में मूव करते रहते हैं, यह है सर्कुलर मोशन. डिफिनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, सीलिंग फैन, व्हील्स ऑफ साइकिल और बाइक और ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स, दे मूव ऑन सर्कुलर. This is all, this type of you all already taught in class 6. Now, next topic is distance. What is distance? Kya hai distance? The Hindi meaning of distance is duri. Duri kya hai? Jaise hum sabhi log yahan se अपने कमरे की वहां तक चले गए, तो ये इस बीच की जो लंबाई है, ये जो मैं पॉइंट जहां भी खड़ा हूं और मैं अभी चला जाऊं उस पॉइंट पे, यहां खड़ा हूं मैं चला जाऊं यहां,
इसके बीच की जो लेंथ है, पाथ की जो लेंथ है उसे डिस्टेंस कर, आइए डेफिनेशन में जानते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट मीन्स दो बिंदुओं के बीच के पथ की जो लंबाई है उसे डिस्टेंस कहा जाता है। मान लीजिए आप यहां हैं, ऐसे चल के यहां पहुंचे, यहां से यहां के बीच की जो पाथ की लंबाई है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन एक और है, एक नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? अगर इस दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस टॉपिक आल्सो यूज्ड इन क्लास 9th, सो मेमोराइज carefully. This is displacement. Now next topic is speed. Speed. भैया कुछ गाड़ियाँ जो हैं देखते हैं कि तेजी से जा रहा है, कुछ धीरे धीरे चल रहा है। हम लोग भी स्कूल जब जाते हैं तो कुछ भैया बहन तेजी से जाते हैं, कुछ भैया बहन स्लोली जाते हैं। जो तेजी से जाते हैं वो कम टाइम में वो डिस्टेंस को कवर करते हैं, जो स्लो चलते हैं उनमें टाइम अधिक लगता है। तो ये कौन कितना स्पीड है, कौन कितना स्लो है, अगर इसको आपको जानना है, ठीक से जानना है, तो उसके स्पीड को समझना होगा। अब स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड को पहले हम लोग समझते हैं। When an object cover distance in unit time, when an object covers distance in unit time, it's called speed. जब कोई वस्तु एक यूनिट टाइम में एक डिस्टेंस को कवर करता है तब उसे क्या कहा जाता है, स्पीड। हिंदी मीनिंग ऑफ स्पीड इज चाल, उसे चाल कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहां पे डिस्टेंस और टाइम दोनों, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, जैसे कि आप जानते हैं डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर जैसा है, बड़े के लिए किलोमीटर, छोटे किलोमीटर में आप मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार अब इसका जो एसआई यूनिट होगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, आप शॉर्ट में इसको m/s लिख सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, m/s। तो आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको बताऊंगा वो टाइम कैसे मेजर किया जाता है,
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको मैं लेकर आपको बताऊंगा। आज भर के इतना ही, और आग्रह होगा कि कौन कौन प्रकार के मोशन हो रहे हैं आपके आसपास, उसको आप कॉपी में नोट करेंगे। ये हमारा होमवर्क रहेगा, कितने प्रकार के, उसमें फिर बाद में छाटेंगे, वो सेपरेट करेंगे स्लो मोशन और फास्ट मोशन। पहले आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट मोशन करने हैं, फिर उसमें छाटना है आपको, सेपरेट करना है स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। दिस इज द आज बस मिलते हैं, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, एंड रिक्वेस्टेड अगेन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोज एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय।